Good morning, students. In this video, we will discuss an important question of the exercise, that exercise 5.3, question number 11. I hope you have understood and memorized the formulas of sum of first n terms, concept of sum of first n terms and nth term. Here the question: if the sum of the first n terms of an AP is, so sum of the first n terms, that means Sn जो आपका है, एक वो given है 4n minus n square. I repeat, जो sum of first n terms है Sn, वो equal to है 4n minus n square. So आपको क्या क्या चीज बताना है, क्या prove करना है, what is the first term, बताइए first term क्या होगी, that is S1. वो क्या होता है first term, sum of first one terms, पहली टर्म का सम, जो a1 होगी वही s1 भी होगा. व्हाट इज द सम ऑफ फर्स्ट टू टर्म्स, पहली दो टर्म्स का सम क्या होगा, ये भी आपने प्रूव करना है. व्हाट इज द सेकंड टर्म, सेकंड टर्म इज a2, क्या होगी वो भी प्रूव करना है. और सिमिलरली आपको थर्ड, टेंथ और nth टर्म्स भी फाइंड करने हैं. तो बच्चों आपके पास क्या-क्या चीज गिवन है, सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं. आपके पास एस एन गिवन है, कितना 4n माइनस n स्क्वायर, सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स इज इक्वल टू 4n माइनस n स्क्वायर. चलिए पहले s1 देख लेते हैं, s1 जो आपको फाइंड करना है, s1 किसके बराबर है, वो फर्स्ट टर्म भी होती है, सो 1 पुट कर लेते हैं n की जगह, तो 1 माइनस 1 का स्क्वायर, तो आ गया 4 माइनस 1 3, सो s1 3 आ गया. सो s1 जो है वही आपका फर्स्ट टर्म है, तो a1 जो s1 जो है वो a1 के बराबर होता है, या a1 जो है वो s1 के बराबर लिख सकते हैं, वो कितना है 3, मतलब s1 3 आया और a1 और s1 भी दोनों मिलके 3 है. पहला पार्ट आपका प्रूव हो गया, व्हाट इज द फर्स्ट टर्म, सो फर्स्ट टर्म इज 3 एंड s1 जिसको कहते हैं वो भी 3 है. व्हाट इज द सम ऑफ फर्स्ट टू टर्म्स, सम ऑफ फर्स्ट टू टर्म्स मतलब s2 फाइंड करना आपने, ठीक है. तो पहले हम s2 पुट करते हैं इसमें n की जगह, तो क्या आएगा 4 into 2 minus 2 का square. s2 पता बच्चों किसके बराबर होता है, s2 means sum of first two terms, पहली दो terms का sum. तो दो terms कौन-कौन सी होती, पहली पहली a1 और a2, तो a1 और a2 हो गया sum of first two terms, क्योंकि a1 पहली term होती है, a2 दूसरी, a3 तीसरी, हमें बताना है sum of first two terms. तो पहली दो terms का sum किसके बराबर आएगा आपको, 4 2 जा 8, 8 minus 4 4 के बराबर, 4 2 जा 8, 2 का square 4, 8 में से 4 तो 4. अब आपको यहां पर a1 का value पता है कितना है 3, तो 3 plus a2 is equal to 4, that means a2 की value 4 minus 3 कितना होता है, 4 minus 3 सीधे लिखते हैं 1 के बराबर, so a2 का value भी आ गया 1. what is the sum of first two terms, कितना 1, और s2 भी आपके पास कितना आया था 4 to the 8 4, तो s2 4 और a2 1, तो दो टर्म में आपके पास क्या क्या आया अभी तक, अभी तक आपके पास a1 जो s1 के बराबर 3 आया, s2 वो आपका 4 आया, और a2 वो आपका 1 आया. ये तीन चीजें आपने अभी तक फाइंड कर ली, ठीक है बेटा. सो दिस इज तीन चीजें, एक तो आपने s1 फाइंड किया जो a1 के बराबर होता है, सम ऑफ फर्स्ट s2, तो s2 सम ऑफ फर्स्ट टू टर्म्स 4 के बराबर, और व्हाट इज द सेकंड टर्म, सेकंड टर्म 1 के बराबर. अब हमें सिमिलरली फाइंड करना है थर्ड टर्म, ठीक है, तो थर्ड टर्म फाइंड करते हैं. थर्ड टर्म आपके पास, थर्ड टर्म लिखते हैं हम a3, तो वो किसके बराबर होता है, a plus 2d. मत अब आपने पता करना है व्हाट इज योर a और d क्या है बच्चों आपके पास, क्योंकि आपकी पहली टर्म जो आपके पास कितना आया था, वो आपके पास 3 आया, और जो सेकंड टर्म वो आपके पास 1 आया, ठीक है. तो a3 a, तो फर्स्ट टर्म को ही हम a कहते हैं, तो ये a आपका है. और d का फाइंड कैसे करते हैं, सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, तो 1 minus 3 minus 2 आ गया.
तो आपके पास एपी जो बनेगा, अगर आप एपी मान के चलेंगे तो एपी आएगा 1, फिर आपके पास A1 3 है, फिर आपके पास A2 1 है, मतलब 2 का डिफरेंस, -2 कर रहे हैं, तो नेक्स्ट क्या आ सकती है वो आप देख लें। अब A थर्ड देखते हैं, A व्हाट इज योर A, A इज योर 3 प्लस 2 इनटू -2, सो 3 -4 -1, तो थर्ड टर्म आपका -1 आ गया, मतलब अगर हम 3 -2 1 आ गया, 1 -2 तो -1 आएगा, ठीक है। सो अब आपको टेंथ टर्म भी फाइंड करनी है, सो टेंथ कैसे लिखेंगे आप, ए प्लस 9 डी, सो ए टेन निकलेगा, ए आपका 3 है प्लस 9 इंटू डी आपका -2, सो 3 -18 कितना बच्चों, -15, सो A10 आपका -15 आ गया। और अब आपने ला जो बताया हुआ है कि nth टर्म भी फाइंड कर लीजिए, nth टर्म, ठीक है। सो nth टर्म हम फाइंड कर लेते हैं, nth टर्म इज a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, सो an इज इक्वल टू, a है आपका 3 प्लस n माइनस 1, d आपका है -2, सो an हो जाएगा 3 माइनस 2n प्लस 2, दैट इज 5 माइनस 2n, सो ये आपकी nth टर्म हो जाएगी।